संबल में भाकुई ने थाने के अंदर धरना शुरू कर दिया है। कोतवाल पर अभद्रता और फरियादियों की न सुनने का आरोप है। धरने के बाद थाने में ही पुलिस और भाकुई टिकैत कार्यकर्ता आमने सामने डटे हुए हैं। मामला धनारी थाना परिसर का है, जहां ट्रैक्टर और निजी वाहनों को थाने के अंदर खड़ा कर भाकुई टिकैत कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। थाने में लाउड स्पीकरों से भाकुई नेता कोतवाल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सीओ भेजोई भी थाने में मौजूद हैं। थाने के अंदर धरने से हालात तनातनी पूर्ण बने हुए हैं। किसानों ने थाने के गेट पर भी वाहन खड़े कर दिए हैं। पूरे मामले पर बता दें कि धनारी कोतवाल विद्युत गोयल के खिलाफ 2-3 दिन पूर्व किसानों ने थाने के घेराव का ऐलान किया था। नाम वीरेश यादव, युवा मंडल अध्यक्ष, आज धरना दिया जा रहा है। इंस्पेक्टर धनारी विद्युत गोयल की करतूतों पर दिया जा रहा है। हम कल 2-3 पदाधिकारी आए थे, एक धनारी के गरीब किसान का मामला चल रहा था। तीन दिन लगातार आते हुए हम लोगों का, लेकिन इन लोगों ने सुनी नहीं इंस्पेक्टर साहब ने, बल्कि धनारी थाने से महज 500 मीटर की दूरी का मामला है। जब ये 500 मीटर की दूरी का मामला नहीं सुन पा रहे, फिर आगे कैसे सुन पाएंगे? और फिर किसानों के साथ अभद्र भाषा का हमारे साथ जो पदाधिकारी थे उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, पैसे को वरीयता दी जा रही है, रात रात भर खनन चलते हैं, और अगर एक किसान पदाधिकारी डाल ले कोई भी तो उसको तुरंत पकड़ लिया जाता है। किसानों की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी उनको लेकर आज हम बैठे हुए हैं, और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, हम लोग रोडों पर भी जाएंगे और अपनी समस्या का समाधान कराने के बाद ही।